कोरोना से जंग में जहां पूरा देश एकजुट है, तो वहीं देशवासी भी लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। सरकारें तो लोगों की मदद कर ही रही हैं, मगर कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कोरोना वायरस की इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, जो उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेहरी कथाल पंचायत के उप प्रधान देशराज चंदेल ने पिछले काफी दिनों से पंचायत स्तर पर लोगों को कोरोना वायरस के चलते घरों में जाकर कोरोना वायरस से बचने और स्वच्छ रहने के प्रति जहां सलाह दी, वहीं उन्हें जानकारी भी मुहैया कराई। लोगों ने बताया कि उप प्रधान देशराज चंदेल अपने पैसे खर्च करके लोगों की जरूरतों के सामान उपलब्ध करवा रहे हैं, जो कि पूरी पंचायत के लिए एक मिसाल बन गए हैं। देशराज चंदेल ने जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरतों की चीजें पहुंचाकर एक मिसाल भी कायम की है। देशराज चंदेल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना वायरस से बचाव हो सके। देशराज चंदेल ने कहा कि इस पंचायत में बाहरी राज्यों से काफी लोग यहां फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को खाद्य और अन्य सामग्री निरंतर सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। चंदेल ने कहा कि इस दुखद घड़ी में लोगों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है, वो शायद किसी और काम करने से नहीं मिलता है। इस कोरोना महामारी में लोगों की मदद कर वे पुण्य कार्य कर रहे हैं। मैंने अपनी पंचायत में एक अभियान चलाया हुआ है कि मैं अपनी पंचायत की इस वैश्विक महामारी में किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। इसलिए मैंने पिछले कल से अपने वार्ड नंबर 1 कुलौड़ी गांव से शुरुआत की, जिसमें मैं हर घर को साबुन बांट रहा हूँ, ताकि मेरी पंचायत का हर परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि थोड़े टाइम और थोड़े अंतराल के बाद अपने हाथों को धोते रहें और इस तरह की बीमारियों से दूर रहें। बस मैं यही कामना करता हूँ कि मेरे समाज का हर एक व्यक्ति जो है स्वस्थ